बिल्कुल सही समझे बच्चों आप लोग। आज हम आपको डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप ही बताने वाले हैं और वो भी डिस्प्ले के साथ। इसलिए हम आज आपको डिफरेंट जो हमारी लैब में है इस समय और जो बिल्कुल सफिशियंट होते हैं हमारे लैब में एक्टिविटीज करने के लिए, जो भी लैब वर्क है करने के लिए, ये सारे माइक्रोस्कोप अपने आप में बिल्कुल सफिशियंट होते हैं, तो इनको हम आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे और साथ में इनके पार्ट्स भी बताएंगे माइक्रोस्कोप के साथ। तो थोड़ी सी पहले इसमें थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्प्ले करते हैं। आप देखिए ये माइक्रोस्कोप हमारे पास भी चार तरह के माइक्रोस्कोप रखे हैं। एक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है, छोटा होता है थोड़ा। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप है जो ज्यादातर स्कूल्स में कॉलेज में यूज होता है। और एक हमारे पास इसी में थोड़ा सा एडवांस है, मूविंग स्टेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसमें स्टेज जो है मैकेनिकल स्टेज होता है और ये मैकेनिकल स्टेज मूव करता है, इसलिए इसका स्टेज मैकेनिकल स्टेज है। और चौथा हमारे पास बायनोकुलर माइक्रोस्कोप है। बायनोकुलर माइक्रोस्कोप में दो आईपीस हैं, ये दोनों के दोनों मोनोकुलर हैं और ये बायनोकुलर माइक्रोस्कोप है। तो चलिए आपको इनके पार्ट्स के बारे में बताते हैं और फिर माइक्रोस्कोप हम पहले इसकी दो चीज बताते हैं आपको कि माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो हम बेसिकली दो चीजों के लिए यूज करते हैं। एक होता है उसमें मैग्निफिकेशन और दूसरा होता है इसका रिजोल्यूशन, रिजोल्विंग पावर यानी मैग्निफिकेशन पावर, और दूसरी उसकी ये रिजोल्विंग पावर होती है। तो हम आपको इसको पहले बता देते हैं क्या होती है। हमारी जो सिंपल आईज है, हमारी आईज की जो रिजोल्यूशन होता है वो लगभग 100 माइक्रोन का होता है। 100 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस में दो चीजें होंगी, हम उनको दूर कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। तो देखिए किसी माइक्रोस्कोप में जो कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन पावर, और दूसरा होता है रिजोल्विंग पावर या रिजोल्यूशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है कि कोई भी माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाई दे सकता है, कितना बड़ा वो आपको दिखा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, साइज ऑफ रेटिनल इमेज विद द इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइज कितनी है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ रेटिनल इमेज विद द अनएडेड नॉर्मल आई। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है ये उसका मैग्निफिकेशन, यानी हम लोग नॉर्मल आई से किसी ऑब्जेक्ट को जितना बड़ा देख सकते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को हम कितना बड़ा इस माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हैं, इसी में जो रेशियो होता है यही कहलाता है मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, दूसरा है इसका रिजोल्यूशन या रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर क्या है, किसी भी लेंस की या इंस्ट्रूमेंट की वो पावर एबिलिटी जिससे वो दो क्लोज पास में जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनको दूर करके दिखाने की क्षमता रखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दो बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट हैं वो हमको एक ही दिखाई देंगे। अगर आप ये ऐसे आपको एक डॉट दिखाई दे रही है, यहाँ पर दो डॉट बनी हुई है, ये दोनों डॉट बिल्कुल कितनी दूर हैं, अगर ये दोनों डॉट अगर हमारी आईज में जैसे है कि ये दो डॉट है बिल्कुल पास पास हैं, बट हमको नॉर्मल आईज से नहीं दिखाई देगा, हमको नॉर्मल आईज से लगेगा कि एक ही है, बट जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि वो एक नहीं बल्कि दो डॉट है और दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये रिजोल्विंग पावर क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर, कितने पास में है और उसको दूर करके दिखा पाने की क्षमता है उसमें। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी माइक्रोस्कोप में। हमारी जो ह्यूमन आई होती है, नॉर्मल ह्यूमन आई, हम लोग 100 माइक्रोमीटर की दो चीजें जो होगी जिनके बीच में डिस्टेंस 100 माइक्रोमीटर का होगा वो हम लोग अपनी अनएडेड आई से हम लोग देख सकते हैं, वो हमको दो दिखाई देंगे। लेकिन अगर वो दोनों डॉट 100 माइक्रोमीटर से और पास आ जाते हैं तब हमको दो नहीं बल्कि एक ही दिखाई देगा। तो यही होता है इसका रिजोल्विंग पावर। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के बारे में। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में ये पार्ट्स हैं इसके अलग अलग, ये है आईपीस या आपलर लेंस, स्टेज, स्टेज क्लिप, बॉडी ट्यूब, रिफ्लेक्टर मिरर, बेस और नॉब। ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के बारे में जो एक सिंपल लेंस की तरह से होता है बट इसकी पावर थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है और इसका इस्तेमाल हम लोग कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह को उनके ऊपर से बाहर से देखने में, जो मॉर्फोलॉजी है उसको देखने में यूज करते हैं, फ्लावर्स को देखने में यूज करते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला पार्ट है ये आईपीस, ऑक्युलर लेंस। आप इसमें पावर भी देख रहे होंगे, 10x पावर का है ये, यानी ये 10 टाइम्स इंक्रीज करके दिखाता है। इसमें 20x पावर भी आती है जो 20 टाइम्स इंक्रीज करके दिखाती है। ये जो आईपीस है ये इस आर्म में लगा हुआ है, ये आर्म मूव कर सकते हैं हम इस आर्म को, जिससे हम इसको फोकस कर लेते हैं। ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर ही हम स्लाइड रखते हैं,
ये स्टेज क्लिप है, उसके बाद ये बॉडी ट्यूब है, और इस बॉडी ट्यूब को ऊपर और नीचे मूव कराने के लिए ये नॉब लगी होती है। आप देखो इस नॉब को मूव कराने से जो आर्म है ये अपसाइड या डाउन मूवमेंट हो रहा है इसका। ये रिफ्लेक्टर मिरर है, इसमें दो तरह के लेंसेस होते हैं, मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ये प्लेन मिरर है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर की तरफ फोकस देता है। जनरली हम लोग कॉनकेव मिरर लगाते हैं जो कंडेंस करता है लाइट को। तो ये था एक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। अब इसमें हम किसी इंसेक्ट को देख सकते हैं। आप देखिए यहां पर ये इंसेक्ट है जिसको हमने क्लोरोफॉर्म में रखकर बेहोश कर लिया है, और अब इसको हम इसमें देखते हैं। आप बिना एड के आप देख रहे हो नॉर्मल आई से कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं इसमें सेट करने के बाद हमको इसके पार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। ये हमने स्टेज पे रखा, स्टेज क्लिप से इसको दबा दिया, उसके बाद आर्म को हम इसमें सेट करके देखते हैं। देखिए कितने खूबसूरती से इसके विंग्स, एब्डोमेन का एरिया और आईज दिख रहे हैं, और आईज में कंपाउंड आईज बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रही हैं। देखिए हम फोकस कर रहे हैं इस पे, तो ये देखिए आपको इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं इसकी ये आईज हैं, कंपाउंड आईज बिल्कुल क्लियर हैं, और कंपाउंड आईज में इसके फैसेट्स भी दिखाई दे रहे होंगे। 1000 से ज्यादा फैसेट्स होते हैं एक आईज में, और एब्डोमेन का एरिया है, विंग्स हैं और लेग्स हैं, लेग्स में ब्रिशल्स भी दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर। तो आपने देखा इसमें कितने अच्छे से आपको किसी इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी दिखाई दी। अब आपको दिखाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके पार्ट्स आप देखिए। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब हम दिखाते हैं, यहां हमारे पास दो हैं, ये और एक दूसरा है जिसमें स्टेज मूव करता है, मैकेनिकल स्टेज है। तो आप देखो पहले ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हैं, कई लेंसेस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये लाइट की प्रेजेंस में ही हमको इसमें कोई ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर ये पार्ट है, इसको आईपीस या ऑक्युलर कहते हैं, ऑक्युलर लेंस। आप देख रहे हो इसमें पावर 10x पावर है, ये 15x पावर में भी आते हैं, 5x पावर में भी आते हैं। तो 10x पावर का हमने यहां पर आईपीस लगा रखा है। आईपीस के नीचे ये बॉडी ट्यूब है, यहां से यहां तक की बॉडी ट्यूब। ये रिवॉल्विंग नोज पीस है, ये रिवॉल्व करता है, और इसके नीचे लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पर दो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, एक और स्लॉट खाली है जिसमें तीसरा ऑब्जेक्टिव लेंस भी लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस में एक लो पावर है जिसकी वैल्यू 10x रहती है, या आपको यहां दिखाई दे रही होगी 10x लिखा हुआ है, और दूसरी वैल्यू 45x है, ये हाई पावर मैग्निफिकेशन है। हम लोग पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में शुरुआत में देखते हैं 10x की वैल्यू से ही, लो पावर में देखते हैं, उसके बाद में हाई पावर में शिफ्ट करते हैं। ये स्टेज है, और स्टेज के ऊपर ये स्टेज क्लिप्स हैं। स्टेज क्लिप के नीचे आप देखोगे ये कंडेंसर है, कंडेंसर लेंस, और कंडेंसर में ही आइरिस डायफ्राम है। ये डायफ्राम आपको दिख रहा होगा, ये डायफ्राम लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट अंदर आएगी। ये बिल्कुल हमारी आईज में आइरिस मसल्स की तरह से ही है जो पीपल को कंट्रोल करते हैं, वैसे यहां पर ये डायफ्राम लाइट को यहां कंट्रोल कर रहा है। इसके नीचे रिफ्लेक्टर है, इसमें भी वैसे ही दो रिफ्लेक्टर हैं, कॉनकेव
मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर है। जनरली हम लोग कॉनकेव मिरर में ही लगाकर देखते हैं क्योंकि ये लाइट को यहां फोकस करता है। इसमें नीचे की तरफ ये बेस है और ये है इसकी आर्म। जब भी हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं तो यहां आर्म से ऐसे पकड़ते हैं और नीचे बेस में ऐसे हाथ लगाते हैं तब इसको मूव कराते हैं। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें कोई भी इमेज को हम कैसे देखते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं अभी हम बताते हैं। उसके पहले हम थोड़ा इसमें भी बता दें, एक और हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें स्टेज मैकेनिकल स्टेज है। इसमें फर्क इतना है कि इसका जो स्टेज है इसको मूव कराने के लिए यहां पर दो नॉब हैं। एक नॉब से हम लेफ्ट और राइट मूव कराते हैं स्लाइड को और दूसरी नॉब से हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट कराते हैं, तब हम लेंस को ये इस ऑब्जेक्ट को यहां पर फोकस करते हैं। इसमें भी आई पीस लगे हुए, ये ऑब्जेक्टिव लगे हुए हैं। तीन पावर के ऑब्जेक्टिव हैं, 10x का है, 40x का है और 100x का है। तीन पावर के ये स्प्रिंग फिंगर है जिससे हम किसी भी स्लाइड को लगाते हैं। और एक एडिशनल इसमें और सपोर्ट है, यहां पर आप देख रहे हो कंडेंसर को मूव और डाउन कराने के लिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कराने के लिए यहां पर एक सब स्टेज एडजस्टर नॉब लगी होती है। ये सब स्टेज एडजस्टर नॉब है। तो ये है मैकेनिकल स्टेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लैब में, स्कूल की लैब में जनरली यही दो माइक्रोस्कोप होते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। इसमें देखने के लिए देखिए पहले से ही प्रिपेयर स्लाइड है, ये परमानेंट स्लाइड है। हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में स्लाइड बनाना भी बता देंगे कि कैसे टेम्परेरी और कैसे परमानेंट स्लाइड बनाई जाती है। यहां पर एक हमारे पास परमानेंट स्लाइड है मेवेलियन टेस्टिस की, जो 12th के सिलेबस में भी है। आप देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस माइक्रोस्कोप को ऐसी पोजीशन पे रखते हैं जहां लाइट प्रॉपर आ रही हो। जैसे खिड़की के बगल में हमने रखा है, यहां पर हमको लाइट सोर्स अच्छा मिलेगा। और इसमें हम लाइट को एडजस्ट करते हैं कि हमें लाइट मिले यहां, और लो पावर में रखते हैं। जब हम देखते हैं मैक्सिमम लाइट हमको यहां दिखाई देने लगी है, तब हम स्लाइड को स्टेज पर रखते हैं, स्टेज क्लिप से इसको दबा देते हैं और यहां पर हम मूव कराते हैं पहले कोर्स एडजस्टमेंट से। इसके पार्ट्स थे कोर्स एडजस्टमेंट जिससे बॉडी ट्यूब को मूव कराते हैं, और ये फाइन एडजस्टमेंट था। इसमें हम कोर्स एडजस्टमेंट से इसको सेट करते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देने लगा है, हम आपको भी अभी दिखाते हैं। इसमें ये लो मैग्निफिकेशन में हमने सेट किया है, आइए आपको दिखाते हैं इसमें कैसे दिखाई दे रहा है हमारा। तो अब देखिए आप, ये आईपीस में हमने कैमरे को सेट किया, ये देखिए आपको जो यहां दिखाई दे रहे हैं वो सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इंटरस्टीशियल सेल्स हैं इसके बीच में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हम अभी इसको लो मैग्निफिकेशन में देख रहे हैं। ये लो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव में भी 10x है और आईपीस में भी 10x है, यानी 100x 100 टाइम्स आप किसी इस ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करके देख रहे हो। अब इसमें चेंज करते हैं, 45x लगाते हैं। 45 के लिए आपको सिंपली ये रिवॉल्विंग नोज पिन को इसको घुमा देना है, ये 45x में सेट हो गई। आपको यहां पर एक छोटे से साउंड सुनाई देगा, ये देखिए यहां सेट हो गया 45x पे। अब हम इसमें सिंपली इसको देखते हैं, ये रहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये 45x आपका
ऑब्जेक्टिव में है और 10x है आईपीस में। ये आप इस समय 450 टाइम्स इंक्रीज करके इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। अभी आपने इसको 100x में देखा था लो मैग्निफिकेशन में, अब आप हाई मैग्निफिकेशन में यानी 450 टाइम्स इंक्रीज करके देख रहे हो हाई मैग्निफिकेशन में। आपने देखा अभी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, स्लाइड को कैसे देखते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं हम बायनोकुलर में हम किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसी स्लाइड को हम बायनोकुलर में कैसे देखते हैं। आप देख रहे होंगे बायनोकुलर माइक्रोस्कोप, यह भी जनरली लैब में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी सुविधा होती है इसमें क्योंकि इसमें बायनोकुलर है। अब देखिए इसके पार्ट कौन कौन से हैं। ये दो हैं ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस हैं, ऑक्युलर लेंस। ये 10x पावर के लगे हुए हैं, आपको पावर भी यहां दिख रही होगी। तो आईपीस में ये दो पावर हैं हमारे पास, ये 10x वाली अभी आपको लगी हुई है, यहां दिख रही होगी। हम 10x को हटाकर 5x वाली पावर भी यूज कर सकते हैं। 5x इस आईपीस को हम यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आईपीस और ये है इसका हेड, बायनोकुलर हेड। ये बायनोकुलर हेड हमारा 360 डिग्री पे मूव करता है, इसको हम कहीं से भी सेट कर सकते हैं। ऐसे ये अलग हो जाता है और इसको हम अगर उधर से बैठ के देखना है तो उधर से ऐसे हम सेट कर सकते हैं। इधर से हमें देखना चाहे तो हम इधर से देख सकते हैं। ये रहे इसमें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंसेस हैं। इसमें आप देख रहे होगे चार लेंसेस लगे हुए हैं, एक 5x पावर का है, एक 10x पावर का है, एक 40x पावर का है और ये 100x ऑयल इमर्सन लेंस है। इसमें देखने के लिए हमें सीडार वुड ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि स्लाइड और इस लेंस के बीच में एयर नहीं रहनी चाहिए, इसलिए वहां पर हम 1 ड्रॉप सीडार वुड ऑयल डालते हैं, तब जाके हमें इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ये रिवॉल्विंग नोज पीस है, रिवॉल्व करते हैं इससे हम लेंसेस को चेंज भी करते हैं। ये इसका स्टेज है मैकेनिकल स्टेज, हमने बताया था मैकेनिकल स्टेज क्योंकि ये मूव भी करता है और इसको मूव कराने के लिए ये हमारे पास नॉब है। इस नॉब से हम इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कराते हैं, साथ ही लेफ्ट या राइट मूव कराते हैं। फिर आप देख रहे हो नीचे यहां पर कंडेंसर लगे हुए हैं, कंडेंसर लेंस है। इसमें एक फिल्टर भी है और साथ में डायफ्राम भी है। डायफ्राम इसकी लाइट को कंट्रोल करता है, यहां डायफ्राम लगा हुआ है और ये ब्लू फिल्टर है और इसके नीचे लाइट सोर्स है जिसमें 6 वाट का, 20 वाट का, 6 वाट का एक बल्ब लगा रहता है जो लाइट हमें देता है। फिर ये स्टेज को मूव कराने के लिए नॉब है जिसको कोर्स एडजस्टमेंट भी कहते हैं और ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एक बार इस कोर्स एडजस्टमेंट में सेट हो जाने के बाद हम यहां पर फाइन एडजस्टमेंट में इसको सेट करते हैं। और आप देखो इस माइक्रोस्कोप में एक और अलग से है सब स्टेज एडजस्ट नॉब भी है जो कंडेंसर को अप एंड डाउन कर रही है, दिख रही होगी आपको, ये कंडेंसर को अप एंड डाउन करती है। ये रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर में ब्लू फिल्टर भी है और ये रही लाइट सोर्स को ऑन और ऑफ करने के लिए। इसको हम कॉर्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं। तो यहां लाइट सोर्स के लिए अंदर 20 वाट का एक बल्ब लगा है और जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं और ये पावर से ऑन करते हैं, ये पावर ऑन ऑफ करने के लिए।
तो इसका लाइट सोर्स इसका अपना रहता है, इसलिए हम रात में, दिन में या कहीं पर भी हम काम करेंगे, बाहर से किसी एक्सटर्नल लाइट सोर्स की जरूरत नहीं है, इसका अपना सोर्स है। और इसको लाइट को कम या ज्यादा करने के लिए एक नॉब भी है, रेगुलेटर नॉब, इससे हम इसकी रोशनी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हम काम करने के ऊपर है, हम इसमें कैसे काम करते हैं। अब इसमें हम आपको एक स्लाइड लगाकर दिखाते हैं। ये एक स्लाइड है हमारे पास मैमल टेस्टिस की, टेस्टिस का टीएस है जो 12th के सिलेबस में भी है। इस स्टेज में यहां पर एक आप देख रहे हो फिंगर, ये स्प्रिंग फिंगर लगा हुआ है, इसी के थ्रू हम यहां पर स्लाइड को रखते हैं और सबसे पहले हम इसको 5x पावर में देखते हैं। और फिर इसको हम मूव करा के हम देखेंगे फोकस इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं। हमने देखा इसके ऊपर बढ़िया से फोकस आ रहा है। और अब हम यहां से स्लाइड को एडजस्ट करके हम देखेंगे। बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे रहा है। लाइट सोर्स थोड़ा सा ज्यादा, हम इसको हल्का कम करते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं, आप भी देखिए इसमें। हम आपको दिखा रहे हैं इसमें, ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टेस्टिस में सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स दिखाई दे रहे हैं। आप अभी 5x पावर में देख रहे हो, 5x ऑब्जेक्टिव में है और ऊपर 10x आईपीस में है, यानी 150 टाइम्स आप इंक्रीज करके देख रहे हो। हम नीचे फोकस बदलते हैं, 5x की बजाय हम 10x में मूव कराते हैं। ये 10x पावर में आपको दिख रहा होगा, 10x आईपीस में और 10x ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये आपको 100 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा रहा है। अब पावर फिर बदलते हैं, 10x की बजाय 45x पावर लगाते हैं, 45 पे आप देखिए ये आप देख रहे होंगे 45x पे है, ऑब्जेक्टिव में 10x और आईपीस में 10x और ऑब्जेक्टिव में 45x, यानी इस समय ये उसी इमेज को 450 टाइम्स इंक्रीज करके दिखा रहा। और आप देखिए लाइट को हम यहां पर कम ज्यादा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ब्राइट हो गई है, और कम करते जाते हैं धीरे धीरे, ये देखिए डिम होती जा रही है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डिम है अभी, और फिर सबसे ज्यादा जब इंक्रीज करते हैं तो ये मैक्सिमम लाइट है। इस तरह से हम रेगुलेटर से लाइट को कंट्रोल करते हैं। और ये आप देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को 45x10 यानी 450 टाइम्स इंक्रीज करके, ये वही सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं इंटरस्टीशियल सेल्स के बीच बीच में, और इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच की अपनी ल्यूमेन है।